नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए डिजाइन का मंगलसूत्र बनाएंगे, 3 लेयर मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने ये लिया है काले कलर के क्रिस्टल वाले मोती। ये लगभग 2 mm के हैं, आप देख सकते हैं। काले कलर के क्रिस्टल वाले मोती ये भी हैं, ये लगभग 4 mm के हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने पाइप वाले मनी लिए हैं, पाइप वाले मोती। 3 सुई लिया है मैंने, मंगलसूत्र गुथने की सुई है, इसमें पहले ही सिलाई वाला धागा डाल के रखा है मैंने। ये 2 छोटे मोती लिए हैं और पेच लिया है, ये पेच में यूज करेंगे छोटे मोती। ये नायलॉन थ्रेड लिया है, इंच टेप लिया है, कैंची लिया है और माचिस लिया है। सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। 1 मीटर का धागा हमें मापना है, आप देख सकते हैं। और इसको, इस धागे को अब हम दोहरा कर लेंगे, 1 मीटर का माप लेंगे और फिर उसी धागे को दोहरा कर लेंगे इस तरह से, उसी धागे की सहायता से, और 1 मीटर का ले लेंगे। इस तरह से हमें 2 मीटर का एक धागा लेना है, और 2 2 मीटर के हमें 3 धागे लेने हैं। मतलब हमें एक लंबा 2 मीटर का धागा माप लेना है और उसको रील में से कट कर लेना है। इसी तरीके से हमें 3 धागे लेने हैं। और इन धागों को अब हम गांठ लगा लेंगे, सबके दोनों मुंह को एक पास कर लेंगे और अलग अलग तीनों में गांठ लगा लेंगे। और तीनों में गांठ लगाने के बाद फिर अब हम तीनों को एक साथ करेंगे और फिर इन गांठ को सेक लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो सारे धागों को एक साथ करके भी एक गांठ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग तीनों में गांठ लगाया है ताकि धागा फंसे ना, इस तरह फंसता नहीं है। अब हम सुई बांधेंगे, तो सुई को बांधने के लिए हम तीनों धागों में हमें बांधने हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं सुई बांध रही हूँ। मंगलसूत्र के धागे के बीचों बीच सुई के धागे को डाल के और फिर सुई के धागे को आपस में बंधने के जैसा बांध लेंगे, इस तरह से, आप देख सकते हैं। हमें तीनों धागों में एक एक सुई बांध लेनी है, जो 3 सुई लिया है मैंने। आप चाहें तो 1 सुई से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास 3 सुई है तो मैंने 3 सुई से बना के दिखाया है। इस तरह आसान रहेगा, जल्दी से हमारा मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा। अब हम तीनों सुइयों को एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले तो 1 सुई लेंगे, उसमें एक छोटा मोती डाल लेंगे। आप छोटा सा मोती लीजिए, ऐसी मोती जो पेच के अंदर बैठ जाए। अब फिर हम तीनों सुइयों को एक साथ कर लेंगे और पेच का एक भाग डालेंगे। पेच का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखेंगे, आप देख सकते हैं। मेरी तीनों सुइयाँ आसानी से चली जा रही हैं पेच में। अगर आपकी सुई ना जाए तो एक एक सुई करके डाल लीजिए, वैसे इतनी बारीक रहती है सुई कि आसानी से चली जाती है, आप देख सकते हैं। यह हमारा 3 लेयर है तो इसमें फंसने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा धागा फंसता है आपस में, इसलिए मैंने तीनों धागों का अलग अलग गांठ लगाया ताकि आपस में ज़्यादा ना उलझे, आप देख सकते हैं इस तरह से। और मैंने ऐसे पेच बिठा लिया, खींच के धागे को खींच के अच्छे से पेच को बिठा लिया, गांठ को पेच के अंदर अच्छे से बिठा लिया। अब हम ये जो बड़े क्रिस्टल वाले काले मोती लिए हैं ये हम डालेंगे, तीनों सुई को एक साथ करके हमें डालना है। 40 ये बड़े साइज़ के जो 4 mm के क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं ये डाल लेंगे हम। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप घर पर आसानी से गूंथ सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम तीनों सुइयों को अलग अलग कर लेंगे और फिर अब हमें छोटे जो काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं जो छोटे साइज़ के, वो डालेंगे। एक एक सुई में डालना है हमें, मतलब तीनों सुइयों में अलग अलग पिरोना है, यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले हम 1 सुई लेंगे और उसमें ये छोटे वाले मोती डालेंगे। हमें 25 ये छोटे वाले मोती डालने हैं, 24 से 25 डालेंगे आप अपने हिसाब से, 1-2 मोती कम ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने इसमें 25 डाला है। और फिर अब हम, मेरे पास 8 ये पाइप वाले मनी हैं, तो मैं 8 मनी से बना के दिखा रही हूँ 3 लेयर मंगलसूत्र। तो सबसे पहले एक ये मनी, पाइप मनी या पोंगे मनी भी बोलते हैं, वो डालेंगे और फिर बीच बीच में एक एक ये जो छोटे क्रिस्टल वाले मोती हैं वो डाल लेंगे ताकि अच्छा दिखे डिज़ाइन। मैंने पहले ये 25 काले क्रिस्टल जो छोटे साइज़ के मोती डाले हैं वो डाले, काले क्रिस्टल वाले मोती वो डाले मैंने सुई में, और फिर ये 4 मैंने पाइप वाले मोती डाले, उसके बीच बीच में एक क्रिस्टल मोती डाला,
और फिर अब हम उसके दूसरे साइड में इसी तरह से फिर 25 डाल लेंगे, वो काले छोटे वाले मोती जो हैं वो डाल लेंगे। इस तरह से एक लड़ी हमारी तैयार हो गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी लड़ी तैयार कर लेंगे और फिर इसमें अब फिर से हम 25 वाले ये काले छोटे क्रिस्टल वाले मोती हैं वो डाल लेंगे। हमें 25 मोती डालने हैं, 24 से 25। और फिर ये मोती डालने के बाद अब हम फिर से ये पाइप वाले मोती डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 पाइप वाले मोती डाले हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बीच बीच में जो काले क्रिस्टल वाले मोती हैं वो डाले हैं। अब फिर अब पाइप वाले मोती डालने के बाद फिर यहाँ पे 25 हम काले क्रिस्टल छोटे वाले मोती डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 मोती हैं और फिर इस 8 मोती से हम यहाँ पे डिजाइन बना रहेंगे। तो एक में 4 पाइप वाले मोती डाले, एक में 3 पाइप वाले मोती डाले और फिर अब हमारे पास 1 पाइप वाले मोती बचे हैं, तो अब उसको डालना है। आप देख सकते हैं। और फिर इसमें अब फिर से काले वाले छोटे साइज के ये मोती डालेंगे और फिर ये पाइप मोती डाल लेंगे। एक मेरे व्यूवर्स का मतलब व्यूवर्स ने बोला था कि मेरे पास 8 ये पाइप वाले मोती हैं, तो उसका 3 लेयर मंगलसूत्र बना के बताइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पे तीनों सुइयों को एक साथ करके ये बड़े साइज़ के जो काले क्रिस्टल वाले मोती हैं वो डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे हम पेच डाल लेंगे, आप देख सकते हैं। पेच का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखेंगे, तीनों सुइयों को एक साथ करके डाल लेंगे पेच और फिर उसमें एक छोटा सा मोती डालेंगे। हमारी जो छोटी मोती है वो तीनों सुई में नहीं जाएगी, इसलिए हमें एक मोती में एक सुई में भी डाल के और फिर हमें गांठ लगा लेना है, आप देख सकते हैं। मैं और भी बहुत सारे मंगलसूत्र गूंथने का वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और यूनिक और सुंदर मंगलसूत्र डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अगर आपके का कोई क्वेश्चन रहा, आपका कोई सवाल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपको और कैसा डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको कुछ अलग डिज़ाइन चाहिए आपको, तो वो भी मैं बना के बताऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कैसा डिज़ाइन चाहिए। अगर कोशिश करूंगी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बना के दिखाऊँ। मैंने मंगलसूत्र में आपको भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं और नज़दीक से दिखा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।